हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और लोग उसमें पूछ रहे थे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान अदरक की चाय, दूध की चाय, कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी या किसी भी तरह का चाय पी सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा डाउट है या ऐसा कमेंट है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका आंसर डिटेल में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बगल में घंटी के बटन को भी क्लिक कर दे ताकि मेरी हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको जितने भी चाय के लिस्ट बताए, जैसे कि अदरक की चाय, दूध की चाय, कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी या लेमन टी, इन सारे चाय में एक कैफीन नाम का तत्व पाया जाता है, एक कैफीन नाम का सब्सटान पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस कैफीन को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो इससे प्रेग्नेंट वोमेन को और गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इस कैफीन की वजह से प्रेग्नेंट वोमेन को और गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेज होना या प्री टर्म लेबर होना, बर्थ डिफेक्ट्स होना या लो बर्थ वेट होना। लेकिन फ्रेंड्स, खुशी की बात यह है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि ACOG के मुताबिक एक प्रेग्नेंट वोमेन दिन भर में 200 mg तक कैफीन को कंज्यूम कर सकती है। इससे प्रेग्नेंट वोमेन को और घर में पल रहे शिशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप दिन भर में एक या दो कप कैफीन यानी कि चाय या कॉफ़ी आप पी सकते हैं, इससे आपको और आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर जितने भी चाय के लिस्ट बताए उनमें मैंने आपको अदरक की चाय भी बताई और नींबू का चाय भी बताया। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी चाय तो दिन भर में एक या दो कप पी सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अदरक की चाय आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पीना है, क्योंकि अदरक की चाय में मैंने आपको बताया कैफीन भी होता है और अदरक का तासीर गर्म होने की वजह से अगर इसे प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाए तो इससे आपको मिसकैरेज या प्री टर्म लेबर हो सकता है या आपके बच्चे को और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अदरक की चाय किसी भी हाल में पूरे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पीना है, क्योंकि इसमें कैफीन तो होता ही है और अदरक होने की वजह से इसकी तासीर और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसलिए आपको अदरक की चाय नहीं पीना है। इसके साथ मैंने आपको लेमन टी भी बताया, तो लेमन टी भी आपको नहीं पीना है, क्योंकि लेमन में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है और प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी नहीं खाना चाहिए। अगर आप विटामिन सी को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेगनेंसी में लेते हैं तो इससे आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। फ्रेंड्स को अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता चल गया कि कैफीन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाय या कॉफ़ी के बिना रह सकती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन को यानी कि कॉफ़ी या चाय को नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई ग्रीन टी ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्लैक टी क्यों ना हो या दूध वाली चाय क्यों ना हो, आपको चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कैफीन होने की वजह से ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अगर बिना चाय कर अगर आप बिना चाय के रह सकती हैं तो आपको बिना चाय के पूरे प्रेगनेंसी में ज़रूर रहने चाहिए, लेकिन अगर आपको चाय पीना हैबिट हो चुका है तो आप हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ एक या दो कप चाय पी सकते हैं, इससे आपको और आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी, तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस तरह के हेल्पफुल और ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड